वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इजी सक्सेस कोचिंग क्लास के ऑनलाइन क्लासेस में। ठीक है, आज से अपन क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं और आज मैक्स पढ़ने वाले हैं और मैक्स का आज टॉपिक रहेगा दशमलव संख्याएं। इसके अलावा भिन्न और भी कुछ पोर्शन जो मैक्स के बेसिक मैक्स के सभी के लिए जरूरी है, चाहे टेर एग्जाम्स के लिए ले लीजिए या अदर कॉम्पिट एग्जामो के लिए बात करें, सभी के लिए ये पोर्शन आवश्यक है, मीन्स कह सकते हैं फाउंडेशन के लिए। तो जिन लोगों ने क्लासेस कंटिन्यू करनी है वो सभी इनको ध्यान से पढ़ें, आगे के लिए आपको हेल्पफुल रहेंगे, आगे की क्लास इन्हीं के बेसिस पर रहेंगी। अगर ये कवरअप हुए तो आगे की क्लास बहुत अच्छे से आपकी कवरअप रहेगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं दशमलव संख्या। दशमलव संख्या डेसिमल नंबर, दशमलव संख्या वह संख्या होती है जो दो पार्ट से मिलकर बनती है। ठीक है, इनमें दो पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट पार्ट रहता है पूर्ण भाग और दूसरा पार्ट रहता है दशमलव भाग। ठीक है, तो दशमलव संख्या में दो ऐसे भाग होते हैं जिसमें एक पूरा भाग होगा और एक दशमलव वाला भाग होगा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल बात करें, एक संख्या मैंने आपके सामने लिखी है 23.124। ठीक है, 23.124, ध्यान रखिए दशमलव के बाद कभी भी इनको डायरेक्टली नहीं पढ़ा जाता। अगर आप इसको 23.124 कहोगे तो ये रोंगे। ठीक है, तो 23.124 ही करेक्ट है। 23.124 ये एक संख्या है, इसमें से पूर्ण संख्या कौन सी है 23। ठीक है, और दशमलव संख्या कौन सी है 1, 2। ये दो पार्ट से मिलकर बनी हुई दशमलव संख्या है जो एक पूर्ण भाग रहेगा और एक दशमलव भाग रहेगा। ठीक है, ये क्लियर हो रहा आपको? देखिए अगला पोर्शन है दशमलव भिन्न से साधारण भिन्न। दशमलव भिन्न साधारण भिन्न किस तरीके से चेंज की जाती है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ये दे रखा आपको 4.2, ये दशमलव भिन्न है, इससे आपको साधारण भिन्न बनानी है। तो पॉइंट हटाया और नीचे आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये आपस में कर सकते हैं 21, नीचे आ जाएगा 5। ठीक, ये एक साधारण भिन्न चेंज होगी। जब भी दशमलव भिन्न साधारण भिन्न बोले आपको उनको पॉइंट हटा के काट देना, देख लेना कितने पर चलो, जैसे 2.55 यहाँ पर कितना आ जाएंगे 1.00 और आपस में काट सकते हो। ये साधारण भिन्न का फंडा होता है। तो साधारण भिन्न में चेंज करना मीन्स पॉइंट हटा के उनको आपस में काट देना, ये साधारण भिन्न में चेंज हो जाएगा दशमलव भिन्न। पर अगला जो क्वेश्चन है अपना आकृति दशमलव, आवृत्ति दशमलव संख्याएं क्या होती है? देखिए ऐसी संख्याएं जिनका कोई एक अंक या बहुत सारे अंक, कोई एक अंक या बहुत सारे अंक रिपीट हो रहे हो, आवृत्ति में हो, रिपीट हो रहे हो, तो वो होती है आवृत्ति दशमलव संख्या। ठीक है, तो आवृत्ति दशमलव संख्या वह संख्या होती है जिसका कोई एक अंक या बहुत सारे अंक रिपीट हो रहे हो। ठीक है, तो देखिए जैसे एक संख्या है इस तरीके से 3.2222 और फिर अभी चलती जा रही है डेस के रूप में, जिसको कहेंगे अपन आवृत्ति दशमलव संख्या। ठीक है, और यहाँ से सभी एग्जामो में एक क्वेश्चन बनता है, देखिए किस प्रकार से। लेकिन इस संख्या को आप लिख सकते हो 3.2 और इसके ऊपर बार, ठीक है, लिख सकते हैं। और इससे एक सिंपल फॉर्म पूछा जाता है, इसका एक सरलीकरण रूप या इसको एक साधारण भिन्न में बदलना किस तरीके से होगा। इसको एक साधारण भिन्न में बदलना हो तो किस तरीके से लिख सकते हो आप, 3 या के पॉइंट आगे इसको ऐसे कैसे लिख देना है उसके बाद। ठीक है, यहाँ पर क्या है 2, ठीक है 2 लिख देना है। और यहाँ पर पॉइंट के बाद में कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, सिर्फ एक संख्या के ऊपर, जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उसमें 9 नीचे लिखना है। यहाँ पर एक संख्या के ऊपर बार है तो यहाँ पर 1 9 नीचे लिख दिया, इसका आंसर क्या हो गया साधारण भिन्न में 3 सही 2/9। इसको साधारण भिन्न में कैसे चेंज किया अपने 3.2 के ऊपर बार को 3 सही 2/9, एक बार देखिए 3 ऐसे कैसे आगे लिख देना है, 2 2 ऊपर लिख दिया मैंने। और कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, एक संख्या के ऊपर, तो यहाँ पर 1 9, अगर 2 संख्याओं के ऊपर बार हो तो 2 9, 3 संख्याओं के ऊपर बार हो 3 9। क्लियर? ठीक है, तो इस तरीके से आवृत्ति दशमलव संख्या से एक क्वेश्चन आता है, सभी एग्जाम्स में आता है, कॉमन क्वेश्चन से ध्यान रखना आपको, इस तरीके से कन्वर्ट होगा। कुछ और क्वेश्चन भी देखेंगे अपन अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं,
आवृत्ति दशमलव संख्या अभी मैंने आपको एक्सप्लेन की आवृत्ति दशमलव संख्या किस तरीके से होती है और किस तरीके से उसको सिंपल भिन्न के रूप में आप लिख सकते हो। पर इससे और भी क्वेश्चंस आते हैं, इसमें कुछ वैरायटीज के क्वेश्चन बनते हैं, तो उन वैरायटीज के क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा, उसी आधार पर अपन आगे क्वेश्चन सोल्व आउट करेंगे। किस तरीके से सोल्व होंगे देखिए ध्यान से। जैसे कि मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ 3.29 और 29 के ऊपर पीछे 29 के ऊपर बार है, 29 के ऊपर बार है तो इसको किस तरीके से साधारण भिन्न के रूप में कन्वर्ट करेंगे। आगे 3 लिख दिया, पीछे का क्या है 29 ऊपर लिख दिया, दिख रहा आपको 3 सही 29 ऊपर हो गया 29 ऊपर लिख दिया। अब आपको मैंने बताया कितनी संख्या के ऊपर बार है, 2 संख्या के ऊपर, कितने 9 नीचे आ जाएंगे 2 9 नीचे आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा एक मिश्र भिन्न के रूप में कन्वर्ट कर चुके हैं अपन, और मिश्र भिन्न क्या बन चुकी है 3 सही 29/99। ठीक है, इसी तरीके से अगले क्वेश्चन को भी करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन 4 ऊपर आएगा, ठीक है 4.425 और 3 के ऊपर बार है 4.25 के ऊपर, तो यहाँ से 4.25 ऐसे कैसे ऊपर लिख देना आपको। ठीक है, ये 4 कहाँ से आया, आगे का जो पूर्ण संख्या है वो पूरी एजिटिस लिख देनी है। ठीक है, 4 सही 425 ऊपर लिख दिया, और नीचे क्या आएंगे 3 संख्याओं के ऊपर बार है, तो कितने 9 आ जाएंगे 1 2 3 9 यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, देखिए वापिस समझ लीजिए, आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको पूर्ण संख्या लिख दी, ऊपर जो है वो एजिटिस लिख दिया। ठीक है, और कितनी संख्या के ऊपर बार है 1 2 3 संख्याओं के बार है, तो 3 आपको 9 1 2 3 9 यहाँ पर लिख दी, यहाँ पर 2 संख्याओं के ऊपर है 2 9। इस तरीके से आप एक भिन्न के रूप में इसका सरलीकरण रूप दे सकते हो जब भी आपके सामने आवृत्ति दशमलव संख्या हो। पर एक पैटर्न का क्वेश्चन और बनता है जो मैंने लास्ट में दिया है, दशमलव के पीछे वाली संख्याओं के ऊपर बार तो है पर सभी पर नहीं है, सिर्फ किसके ऊपर है 2.5 के ऊपर, इसका मीन्स है 2.5 ही रिपीट हो रहा है आवृत्ति के रूप में, 2.5 है मतलब 2.5 ही हमेशा रिपीट हो रहा है इस वाले क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन इन क्वेश्चनों से अलग तरीके से सोल्व होगा। ठीक है, ध्यान से समझिए किस तरीके से सोल्व होगा, इसका सोल्व करने का तरीका देखते हैं। देखिए इसमें भी जो पूर्ण संख्या है वो तो एजिटिस आ जाएगी, ये लिख दिया आपने। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या है 4 2 5। ठीक है, तो ये जो 4 2 5 है, इस 4 2 5 में से जिसके ऊपर बार नहीं है, दशमलव के बाद वाली संख्याओं की बात कर रहे हैं, दशमलव के बाद वाली संख्याओं में किसके ऊपर बार नहीं है, 4 के ऊपर बार नहीं है, इस 4 को इसमें से माइनस कर लेना है, कितना बचेगा 4 2 1। ठीक है, आ रहा समझ में, 425 में से आपको ने 4 को माइनस कर लिया तो क्या बचा 421। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, 2 संख्याओं के ऊपर, तो 29 तो नीचे आ गए, पर दशमलव के बाद कितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है, एक संख्या के ऊपर बार नहीं है, तो उसकी तरफ का क्या आ गया 0 आ गया। इस तरीके से पूरी बन चुकी है अपनी एक मिश्र संख्या। ठीक है, वापिस से लास्ट वाला क्वेश्चन मैं आपको रिपीट समझा रहा हूँ, अच्छे समझिए, 4.425 पर 2.5 पीछे 2.5 के ऊपर बार। ठीक है, अब 2.5 के ऊपर बार है, इस तरीके से का क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, पूर्ण संख्या यहाँ पे कितनी है 4 है, 4 एज इट इज लिख दी मैंने, ऊपर कितना है 4 2 5 है, 4 2 5 में से जिसके ऊपर बार नहीं है, दशमलव के बाद जो दशमलव वाला भाग है अपने दशमलव भाग में किसके ऊपर बार नहीं है, 4 के ऊपर बार नहीं, इस वाले को माइनस कर देना है, 4 2 5 में से आपने किसको माइनस कर दिया, यहाँ पर 4 को माइनस कर दिया। ठीक है, तो 4 को माइनस जैसे ही किया यहाँ पर क्या बचा 4 2 1, तो 425 में 4 माइनस करके 421 ऊपर लिख दिया, कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, 2 संख्याओं के ऊपर, 2 9 आएंगे, पर यहाँ पर दशमलव भाग में एक संख्या के ऊपर बार नहीं है, उसकी तरफ से क्या आ जाएगा यहाँ पर 0 आएगा, जिसके ऊपर बार नहीं उसका 0। इस तरीके से एक इसका मिश्र भिन्न के रूप में आपने कन्वर्जन कम्प्लीट कर दिया। ठीक है, समझ में आए आपको, टॉपिक है अंकों के मान दो टाइप से होते हैं, एक तो होता है वास्तविक मान और एक होता है स्थानीय मान। ठीक है, तो वास्तविक मान को जाती मान या अंकित मान भी कहते हैं, ये किसी नंबर की शुद्ध वैल्यू होती है, किसी अंक की शुद्ध मान। ठीक है, किसी अंक का शुद्ध मान होता है, जो शुद्ध वैल्यू होती है वो होती है उसकी वास्तविक जाति या अंकित, कुछ भी कह सकते हैं सब एक ही बात है, तो वास्तविक जाति या अंकित मान मतलब उसकी ओरिजिनल वैल्यू, जिसको आप फेस वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है, तो फेस वैल्यू मीन्स वास्तविक मान, उसके बाद होती है स्थानीय मान, स्थानीय मान मतलब उस अंक का संख्या में कौन सा स्थान है, तो उस
अंक का संख्या में स्थान कौन सा है, इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है, हजार है, और आगे चलता जाएगा। तो कौन सा स्थान है उसके आधार पर उसको कहा गया स्थानीय मान, मीन्स प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो ये फेस वैल्यू हुई और ये प्लेस वैल्यू हुई। इसके आधार पर दो टाइप के मान होते हैं किसी भी अंक के। अब पोर्शन डिपेंड, देखो कुछ क्वेश्चन यहाँ पर बेसिक थ्योरी से भी आते हैं, है ना, बेसिक तौर पर क्वेश्चन थ्योरी से भी आ सकते हैं कि इस टाइप से कुछ किसी अंक का मान दे दिया, ये क्या होता है, कैसे होता है, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन दे दिया जाता है, इनमें से क्या नहीं है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कुछ डायरेक्टली क्वेश्चन अंकों के आधार पर आ जाते हैं, तो क्वेश्चन पे अपन बाद में बात करते हैं, पहले बेसिक कम्प्लीट कर लेते हैं इसका किस तरीके से और कुछ हो सकता है इनमें और क्या क्या होता है। ठीक है, तो वास्तविक मान जैसे यहाँ पर एक संख्या लिखी है मैंने आपके सामने 524। ठीक है, तो यहाँ पर अगर वास्तविक मान बात करूं मैं 5 की तो 5 ही रहेगा, मैं 2 की बात करूं तो 2 ही रहेगा, और 4 की बात करूं तो 4 ही रहेगा। मीन्स वास्तविक मान वही मान रहता है जो उसकी वैल्यू है किसी भी संख्या में अंक की, चाहे वो कहीं पर भी हो, किसी भी प्लेस पर रखा हो। क्लियर, चलिए दूसरी बात करते हैं स्थानीय मान की। तो स्थानीय मान चेंज होगा उसकी पोर्शन के आधार पर कि वो कौन से स्थान पर है। जैसे इसमें 4 इकाई पर है तो इसका स्थानीय मान सिर्फ क्या है, 4 है। इसमें 2 दहाई पर है तो 1 जीरो लग गया यहाँ पर दहाई के स्थान पर, दहाई पर 2 एक अंक आता है, आपको बताया 1 जीरो बढ़ जाता है और 1 जीरो आकर ये क्या हो गया, 20 हो गया, क्योंकि ये दहाई पर है। इसी तरीके से 5 है सैकड़े के स्थान पर, तो इसीलिए इसमें 2 जीरो लग गया और क्या हो गया, 500। तो मीन्स उसके पीछे कितने अंक है उतने जीरो बढ़ाते जाओ और इस तरीके से उसका स्थानीय मान आप फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, इसका 4 ही रहेगा, इसका 20 हो गया, इसका 500 हो गया, तो इस तरीके से इनके स्थानीय मान रहेंगे। और इस तरीके से जो मैंने यहाँ पर लिखा है 500 + 20 + 4 ये संख्या का एक विस्तारित रूप है। ठीक है, कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है विस्तारित रूप क्या होगा संख्या का, तो कुछ भी उसके स्थानीय मान को अलग अलग कर लिया जाता है प्लस के द्वारा, तो इसका एक क्या हो गया विस्तारित रूप भी हो गया संख्या का। पर बात करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस के जो घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। देखिए ध्यान से समझिए, इकाई के स्थान पर अगर कोई भी अंक हो किसी संख्या में, ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है 4 है। ठीक है, तो इकाई के स्थान पर किसी संख्या में कोई अंक हो तो उसका वास्तविक मान और स्थानीय मान हमेशा समान होता है। ठीक है, समझ में आ रहा, क्योंकि वास्तविक मान तो वही रहता है, जैसे इसमें 4 का 4 ही है और इसका स्थानीय मान भी क्या आया 4 ही है, क्योंकि कहां पर बैठा हुआ है इकाई पर। तो इकाई के स्थान पर अगर कोई अंक है तो उसका स्थानीय मान और कौन सा वास्तविक मान हमेशा समान होता है, सेम ही होता है। ठीक है, और एक और बात, जीरो जीरो अगर कहीं पर भी हो, चाहे संख्या के बीच में आ रहा हो, तो भी उसका भी स्थानीय मान और वास्तविक मान एक ही होता है, क्योंकि जीरो का आप स्थानीय मान जीरो ही लगाओगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक संख्या है 102। ठीक है, देखिए यहाँ पर जीरो का वास्तविक मान क्या हुआ, जीरो। इसका स्थानीय मान लिखेंगे तो जीरो के पीछे आप जीरो लगाओगे तो कोई मतलब ही नहीं है, मतलब जीरो ही आया। तो जीरो एक ऐसी संख्या है जो कहीं पर भी हो उसका भी स्थानीय मान और वास्तविक मान हमेशा बराबर होता है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट है दशमलव अंकों का स्थानीय मान। ठीक है, देखिए नॉर्मल संख्याओं का स्थानीय मान तो इजीली आप फाइंड आउट कर लोगे और आराम से आप देख भी सकते हो, जो भी वहां पर ऑप्शन होगा वो आप टिक करके आराम से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। पर प्रॉब्लम कहां पर क्रिएट होती है, दशमलव संख्याओं में। दशमलव संख्याओं में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान किस तरीके से देखा जाता है। देखिए यहाँ पर आपको अभी मैंने बताया ये आगे का पूर्ण भाग होता है और पीछे वाला दशमलव भाग होता है, ये तो क्लियर है आपको। तो पूर्ण भाग का स्थानीय मान तो वही रहेगा जो था, मीन्स 4 का 4 ही रहेगा, 2 का 20 हो जाएगा, कोई दिक्कत, क्लियर। पर पीछे का जो पोर्शन है ये है दशमलव भाग और इसका स्थानीय मान आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखिए इसका स्थानीय मान किस तरीके से अपन निकालते हैं। देखिए दशमलव के बाद जो फर्स्ट अंक आता है, दशमलव के पास में कौन सा अंक है, यहाँ पर 2। दशमलव के जस्ट पास में जो अंक है उसके नीचे 1 जीरो आएगा, मीन्स 2 के नीचे क्या जाएगा 10। उसके बाद जैसे जैसे आप दशमलव से पीछे जाते हो अंक बढ़ाती जाएगी, यहाँ पर 5 का प्लेस कौन सा है 1 और 2 है, तो यहाँ पर कितने जीरो आ जाएंगे, नीचे 2 जीरो। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि दशमलव में आपको पता है दशमलव का मीन्स पॉइंट नीचे जीरो ही बढ़ता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ बात करूं दशमलव 4 तो इसका मीन्स क्या है 4.8, क्लियर। पर अगर मैं यहाँ बात करूं 0.004 इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स क्या है 4/100, इसका मीन्स यही तो है। देखिए 2/10 हो जाएगा क्योंकि दशमलव के नियर है, यहाँ पर
दशमलव से एक अंक छोड़ कर तो यहाँ पर एक और दो अंक है तो दो अंक नीचे आ गए। या प्लस देखिए आप दशमलव से एक दो तो 100 आएंगे, यहाँ पर दशमलव के जस्ट पास तो यहाँ पर जीरो आएगा और पीछे बढ़ता जाएगा, जितने पीछे बढ़ता जाएगा उतने जीरो नीचे बढ़ाते जाओगे आप। ये सीधा सा फंडा होता है दशमलव के बाद किसी संख्या का स्थानीय मान निकालना। वापिस से देखिए, यहाँ पर टू का 20 हो जाएगा, फोर का फोर ही रहेगा, इस टू का क्या हो गया 2.10 क्योंकि पॉइंट के पास में, फिर 5 का क्या हो गया 5.100 क्योंकि पॉइंट से एक दो दो पीछे। अगर तीन अंक पीछे कोई संख्या आ जाए तो उसके नीचे तीन जीरो आ जाएंगे। तो आपको सीधा सा फंडा याद रखना है, दशमलव से जितने पीछे जाते जाओगे उतने जीरो नीचे रखते जाओ, ये इसका स्थानीय मान है। मीन्स यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में संख्या में पूछ ले कि इस पांच का स्थानीय मान क्या, तो 5/100 ये इस पांच का स्थानीय मान है। ठीक है, समझ में आ रहा है, दशमलव में इसी तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, क्लियर। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और लेते हैं दशमलव में स्थानीय मान का। यहाँ पर लिखा हुआ है 25.792 है ना, 792। तो इसमें अगर दो की बात करें तो स्थानीय मान क्या हो जाएगा, आगे से ही चलते हैं। सबसे फर्स्ट यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा 20 क्योंकि दहाई के अंक पर है, इसका 5 प्लस। ठीक है, दिख रहा आपको 7 के क्या आ जाएगा, दशमलव की जस्ट बात है तो नीचे क्या आ जाएगा 10 प्लस 9 कौन से नंबर पर है, दशमलव के दो अंक पीछे तो दो जीरो आ जाएंगे, 2 कितने अंक पीछे, एक दो तीन तो कितने अंक आ जाएंगे 3, तो दो के नीचे क्या आ जाएगा 1000। ठीक है, इसका पूरी संख्या का विस्तारित रूप यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया मैंने। ठीक है, ध्यान से इसको देखिए और समझिए, क्लियर।